हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि भाई आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज क्या हुआ, आज सुबह फिर से एक कांड हो चुका है। अब आप बोलेंगे कि भाई कांड में क्या बच्चा मर गया? तो भाई बच्चा तो नहीं मरा, लेकिन जो हमारी एक लाहौरी फीमेल मादा है तो वो कल रात से कमर झुकाई हुई थी, तो मुझे लगा भाई ये हो सकता है अंडा देगी। तो दोस्तों हुआ क्या कि आज सुबह जब मैं उठा तो उसका एक अंडा नीचे पड़ा था, और हमारी एक ब्लू बार मादा है उसके एक पेट पे अंडा चिपका हुआ था और पूरा अंडा हैच हो चुका था। तो मुझे लगा भाई ब्लू बार के अंडे हैच हो गए, मतलब फोड़ दिए उसने, और जो अपनी काली शिराजी मादा है उसका अंडा भी शायद ख़राब हो गया। तो फिर मैं गया लॉफ्ट में और मैंने जाकर देखा तो भाई जो ब्लू बार मादा है उसके तो दोनों अंडे सेफ हैं और फूटे भी नहीं है। तो मैंने देखा भाई ये जो ब्लू बार बैठी हुई है, अभी आप लोग देखो ये, तो इसके साथ क्या हुआ, इसके पेट पे एक अंडा चिपका था तो उसने फोड़ लिया और वो लेके उड़ रही थी पूरे में। तो वहाँ पे उसने अंडा फोड़ा और खुद ही पूरा अंडा खा गई। तो पूरा अंडे का छिलका दोस्तों वो ब्लू बार मादा खा गई। तो मैंने सोचा भाई ये अंडा किसका होगा, तो मैंने गया और फिर मैंने जब भाई लॉफ्ट खोल के, सुबह के टाइम की बात बता रहा हूँ, सुबह जब मैंने देखा यही वो मादा है, तो एक अंडा बिल्कुल इधर पड़ा हुआ था लॉफ्ट के गेट पे। तो मैंने सोचा भाई अब ये किसका अंडा हो सकता है, इनका तो होगा नहीं, इनका कुछ ही दिन पहले बच्चा मरा है, मेटिंग अभी इनने स्टार्ट ही की है, तो भाई अंडा देंगे तो शायद इसमें देंगे, देखो घोंसला ही बना है। और लक्का मुट्टो का भी नहीं हो सकता क्योंकि ये देखो घोंसला बना के बैठे हैं, इनने तो नहीं दिया, नहीं इसमें भी नहीं है अभी। और रेड भी अंडों पर बैठे हैं, इनका भी नहीं हो सकता कन्फर्म है। इनका अंडा भी कुछ ही दिन पहले हटाया था, मतलब 5-1 दिन ही हुए हैं, तो इनका भी नहीं हो सकता कि भाई इनने दिया। और रही बात कासनी की दोस्तों, तो कासनी अभी थोड़ी पट्टी है तो ये अभी अंडे तो नहीं देगी, इसको कब थोड़ा टाइम लगेगा, तो भाई मैंने कहा इसका भी नहीं हो सकता। और रही बात ललसरे की, तो ललसरे अभी खुद छोटा सा बच्चे पे बैठे हैं, इनका भी नहीं हो सकता। तो हुआ क्या दोस्तों, मैंने उस अंडे को उठाया और उठाकर क्या किया, इसके नीचे रख दिया। तो थोड़ी देर तो ये बैठी नहीं, थोड़ी देर नहीं बैठी, उसके बाद क्या किया कि फिर मैंने इसको उधर किया तो ये जाकर बैठ गई। तो एक अंडा शायद इन्हीं का है, मुझे भी इनका लग रहा था, भाई को भी इनका लग रहा था, और कल से इन्हीं के चांसेस थे भाई कि अंडा देंगे। तो अंडा तो दे दिया इनने, लेकिन अपने लॉफ्ट में जाकर नहीं दिया। ये ललचरा क्यों इसमें घुस गया, ठीक है दोस्तों। तो इनने अपने लॉफ्ट में जाकर अंडा नहीं दिया, तो मतलब बाहर कहीं इनने अंडा दिए, तो मैंने रख दिया, तो ये फिर अच्छे से अंडों पर बैठ भी रहा है। तो अब आप इसको गुड न्यूज़ बोलोगे कि भाई ये तो गुड न्यूज़ हुई, मैं बताता हूँ भाई ये बैड न्यूज़ क्यों हुई। मैं चाह रहा हूँ दोस्तों, इनको हो गया कम से कम 6-7 महीने, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इनसे एक बार तो ब्रीड लेते, एक बार छोटी वालों के नीचे बच्चा निकला था, बड़ा हुआ लेकिन मर गया। एक बार इनने अच्छे से अंडे दिए थे, तो जब ये बल्ब नहीं लगा था, ये बल्ब, तो क्या हुआ था कि वो अंडा कोई दूसरा कबूतर घुसा और ये पूरी घास निकाल दी और पूरे अंडे फूट गए, तो उसमें भी अंडे ख़राब हो गए। फिर एक बार क्या हुआ, इन्हें एक ही अंडा दिया था तो वो भी ख़राब। इस बार इन्हें 2 अंडे दिए थे, मैंने जैसे कि बताया एक ब्लू बार से चिपका हुआ था, वो पता नहीं उसने कैसे फोड़ दिया, और एक अंडा इनने दिया है लेकिन मुझे भाई वो सही नहीं लग रहा। और सही नहीं लग रहा अब इसलिए क्योंकि एक अंडा है उस पर सफ़ेद सफ़ेद परत सी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई उसको हटाऊँ नहीं हटाऊँ, और कंफ्यूज हूँ अभी थोड़ा कि भाई हटाऊँ नहीं हटाऊँ, क्योंकि अगर हटा देंगे तो भाई हो सकता है दूसरी बार दे, लेकिन कम से कम 3 या 4 बार इसी पेटी में इसके अंडे ख़राब हो चुके हैं। तो मुझे डर है कि भाई ऐसा ना हो कि 4 बार अगर आप किसी कबूतरी के अंडे हटाओ ख़राब हों तो वो फिर अंडे देना ही छोड़ देती है। काफ़ी कबूतरी फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, उसके बाद अंडे देगी। तो मैं इसीलिए डर है कि भाई इनको मतलब अभी छेड़े नहीं करूँ, तो अभी तो मैं इनको नहीं हटा रहा, और हो सकता है अभी अंडे में बच्चा बने नहीं बने, वो भी मुझे कन्फर्म नहीं पता, क्योंकि इसको काफ़ी तकलीफ हुई है इस बार अंडे देने में, मतलब काफ़ी कमर झुकी रही 1-1 हफ्ते से इसमें बैठी, बहुत दिक्कतों के बाद इसका अंडा निकला है दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब इनकी छेड़े ना की जाए और इनको अंडों पे बैठा रहने दें, फिर देखते हैं 10-15-20 दिन बाद अंडे में से बच्चा निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो वो खुद ही हटा देंगे, लेकिन कम से कम फिर से अंडे तो देंगे। वो निकल गया तो एक निकलेगा दोस्तों, लेकिन फिर कन्फर्म रहेगा कि अगली बार और अंडे बच्चे करेंगे। तो इसीलिए बस यही बताना था, तो मैं इनको बंद कर देता हूँ कि भाई अभी मैंने इनको बंद करना भी चालू कर दिया है, ताकि बच्चे बच्चे अगर अब निकलें तो किसी को दिखे नहीं और नज़र ना हो, क्योंकि जितने भी बच्चे मरे हैं दोस्तों सभी नज़र की वजह से मरे हैं। और जो हमारे रेड शिराजी हैं, मैंने शायद इस पे वीडियो भी नहीं बनाया, तो इन्होंने भी अंडे दे दिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये शायद मेल है ना वो बैठा है, ये फीमेल है, तो ये फीमेल ने मतलब अंडे तो दे दिए हैं और ये शायद अंडों पर बैठे भी हैं। ये देखिए, मैं ज़्यादा छेड़ नहीं कर रहा, भाई भी किलप रहा है कि भाई क्यों देख रहा, तो मैं भी नहीं छेड़ कर रहा कि भाई नहीं करते अपन छेड़।
इनको भी बैठे रहने देते हैं और इनको भी बैठे रहने देते हैं, अभी तो नहीं हटा रहा। और दोस्तों आप इस दोबास फीमेल मादी को देखो, इसका साइज़ वगैरह मैं आपको अच्छे से बताता हूँ फ्लैश खोल के। माशाल्लाह ये देखिए आप, फुल लड़ने को तैयार रहती है जब आप चाहो, और ये बाहर आके भी लड़ती है। ये देखो और इसका साइज़, और आप इसका नर देखो माशाल्लाह, ये भी बहुत बिग साइज़ में बहुत हैवी है। और ये देख सकते हैं आप लोग, आया आजा, ये देखिए। तो दोस्तों अभी इनके अंडे भी नहीं हटा रहा है और इनके अंडे भी नहीं हटा रहा है, और वो तो अच्छा है कि भाई ब्लू बार ने अंडे तो दिए थे लेकिन वो सेफ़ हैं। सेफ़ है मतलब इसलिए कि वो फूटे नहीं, नहीं तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता, और फिर मैं हो सकता है कि अगर उसके अंडे ख़राब होते खुदा ना खास्ता तो मैं पूरी पेटियाँ हटा के सामने को अपना सेटअप कर देता। मतलब कैसे आपको बताऊँगा, अभी एक आध दो ब्रीड और ले लूँ, मतलब अच्छे से ब्रीडिंग ले लें इस बार की, तो इस सबको अपन पेटियों को इधर सामने रख देंगे। और काफ़ी टाइम हो चुका है दोस्तों, ये घास भी नहीं हटाई है, घास भी अब काफ़ी बुरी लगने लगी, शुरू में तो ठीक ठाक लगती थी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई ये जो पूरी घास है इसको हटा देते हैं अपन, और पूरा साफ़ कर देंगे लॉफ्ट। आज तो पूरी साफ़ सफाई कर देते हैं लॉफ्ट की, क्योंकि इस बार मुझे ब्रीडिंग बहुत अच्छी चाहिए। तो कर दो साफ़। तो भाई अब मैंने भाई को बोल दिया है कि धीरे धीरे घास निकालना शुरू करें, और एक मिनट रुकिए आप लोग, एक मिनट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप लोगों को एक सरप्राइज़ दूंगा उसके अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़ास होगा। मतलब आप लोग भी बोलेंगे कि भाई सबूर भाई तुम ले ही आए आखिरकार, तो वो कुछ भी हो सकता है। कम से कम पांच चीज़ें आपको बता देता हूँ, येलो शिराज़ी, ब्लैक लखा, सिल्वर बार शिराज़ी, ग्रे बार सिल्वर बार, जो भी मुखी, तो चार या पाँच में से आप गेस कर लो भाई कौन सा है। तो मैं पेयर ले आया, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा, जो भी लाऊंगा, मतलब ले तो आया बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक मैं भाई से बोल देता हूँ अच्छे से घास निकाल दे, अभी वो डंडे का यूज़ कर रहा, मैं निकालूँ क्या? देखिए दोस्तों कितनी मोटी डंडा ना टूटिया, अरे यार अच्छे से करो। ये देखो ये क्या है इसके नीचे, इतने सारे दोस्तों, ये देखिए इसके नीचे कितने सारे गेहूं और बाजरा, मतलब पता नहीं ये घास में से छन के आए कैसे आए, इसीलिए चूहे आने लगे भैया, और काफ़ी चूहे भी होने लगे हमारे यहाँ पता नहीं क्यों, तो अब समझ आए। ये देखिए दोस्तों कितना सारा इसमें गेहूं और बाजरा निकला है। तो भाई ये तो अब हम नेक्स्ट टाइम शायद ही करें, घास बिछाई तो थी लेकिन अब इसको पूरा हटा देते हैं और पूरी साफ़ सफाई कर देते हैं लॉफ्ट की। आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरी घास तो हटा दी है, थोड़ी सी बची है, और इसमें क्या है थोड़े से गेहूं और बाजरा भी जो थे वो भी बचे हैं। तो मैं क्या करता हूँ ये भी पूरे साफ करवा देता हूँ, तो ये भी साफ कर दीजिए। ये देखो भाई कितनी सारी घास निकली है, मतलब कितना सारा कचरा था जो कि पूरे लॉफ्ट में था, और ये बाकी भी झाड़ दिया और पूरा लॉफ्ट भी साफ कर दिया। तो भाई आप देखो ये पूरा साफ कर चुके हैं और इसका कलर कुछ बदल चुका है, और अब इनने फिर से गंदा करना भी चालू कर दिया है। ये देखो भाई इनने फिर बीट कर दिया, अभी पूरा साफ़ किया है, एक भी बीट का निशान नहीं दिखेगा आपको, इन्हें कासनी ने फिर से कर दी। चलो तो इन्हीं का लॉफ्ट है, तो और अब अपन क्या करेंगे भाई, अब इसमें दाना भी नहीं रखा करेंगे, क्योंकि इतना दाना निकला है भाई तो इतना सारा दाना वेस्ट ही हुआ, तो मैं नहीं चाह रहा था कि वेस्ट हो, लेकिन काफ़ी दाना वेस्ट हुआ और हमें पता ही नहीं था कि वो घास के नीचे। बाकी अब देखो पूरा लॉफ्ट साफ़ कर दिया, और अब उसमें भी वो लगा दो टाइल्स, तो मैंने भाई से बोल लिया भाई कि वो टाइल्स लगा दे ताकि वो छुपा रहे, और हवा मावा भी रुकती है काफ़ी, तो उसमें टाइल्स लगा रहेगा तो और सही रहेगा, और फिर वो कबूतरों का क्या है छोटा सा गेट रहेगा तो दूसरे कबूतर भी अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसे ब्लू बाल जाएगा, बाकी पूरा खुला रहता था तो नए कबूतर लाओ तो वो घुस जाते थे। बाकी इसको आप परमानेंट बंद ही कर दो, आपके बोलेंगे कि भाई इसके अंदर का सरप्राइज़ कहाँ है, तो मैंने फिर से पुराने लॉफ्ट में छुपा दिया,
नहीं तो आप लोग देख ही लेते, तो वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। अंडा मैं सोचा था हटाऊं, लेकिन अभी मेरा मन बदल गया, क्योंकि भाई मुझे डर है कि अभी हटा दिया ना तो फिर बैठना ही छोड़ देंगे, और बैठना क्या फिर वो अंडे ही देना बंद कर देंगे। हो सकता है फिर 1-2-3 महीने बाद दें, तो जब तक नहीं रुक सकते ब्रीड लेनी है तो उन्हें अंडों पर बैठने देते हैं, 20-22 दिन रुक के देखते हैं, बच्चा निकला तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो वो कंटिन्यू अंडे बच्चे करेंगे ही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपको वही बताना था कि भाई ब्लू बार के पेट पे जो अंडा चिपका था वो भी वेस्ट हो गया, और जो लाहौरी का था वो मैं सोच रहा था मतलब हटा दूं या फेंक दूं, लेकिन वो अभी मैं नहीं फेंक रहा, वो मैं कुछ दिन बाद ही फेंकूंगा, और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा ही, जो सरप्राइज़ है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और जो भी भाई मेरे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।